हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर जिसके ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, लास्ट हमने विभवमापी की सहायता से वोल्टमीटर का अंशशोधन किया था। ठीक है, अंशशोधन का मतलब क्या था? अंशशोधन करना। तो अंशशोधन का मतलब क्या हुआ? तो एक तो हम वोल्टमीटर का पाठ्यांक निकालते हैं, वोल्टमीटर का पाठ्यांक निकाला था हमने। ठीक है, अब उन्हीं के संगत विभव मापी से निकालते हैं, विभव मापी द्वारा ज्ञात यथार्थ पाठ्यांक। इनकी तुलना कर लेते हैं तो इस समय पता लग जाता है कि वोल्टमीटर के मान में कितनी त्रुटि है। तो इस तरह तुलना करके त्रुटि ज्ञात करना ही क्या कहलाता है? अंशशोधन करना कहलाता है। ठीक है, तो आज हम विभवमापी से संबंधित लास्ट अनुप्रयोग पढ़ेंगे और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक या हमारा जो अनुप्रयोग है विभवमापी का क्या है कि विभवमापी की सहायता से ठीक है बच्चों, हमने पहले वोल्टमीटर का अनुशोधन किया था तो आज के वीडियो में हम अमीटर का अंश शोधन करेंगे। तो विभव मापी की सहायता से अमीटर का अंश शोधन करना। ठीक है, विभव मापी की सहायता से अमीटर का अंश शोधन करना, कैलिब्रेशन ऑफ अमीटर। By potentiometer. विभव मापी की सहायता से अमीटर का अनुशोधन करना इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, सिक्स चैप्टर हमारे आज पूरे हो जाएंगे। कल का जो आपको पास वीडियो मिलेगा, यानी इसका जो नेक्स्ट वाला वीडियो, उसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो विभव मापी की सहायता से अमीटर का अनुशोधन करना, तो सही बात है कि अमीटर का अंश शोधन करना, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अमीटर के पाठ्यांक है, अमीटर पहली बात आपको पता है, अमीटर धारा को नापता है और इसको नापने के लिए, धारा को नापने के लिए अमीटर को परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, यानी सारी की सारी धारा अमीटर में से होकर जाए तभी वो उसका मेजरमेंट कर पाएगा। तो अंशोधन का मतलब क्या हुआ कि अमीटर द्वारा मापित, पाठ्यांकों की, अब पाठ्यांक क्या होंगे, धारा होगी, पाठ्यांकों की विभवमापी द्वारा, अमीटर द्वारा मापित पाठ्यांकों की विभवमापी द्वारा ज्ञात यथार्थ मानों से तुलना करके अमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि ज्ञात करके उसे सही करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? अमीटर का अंशशोधन कहलाता है। अमीटर का अंशशोधन कहलाती है। क्लियर? तो एक तो हम अमीटर द्वारा मान ज्ञात करेंगे धारा का, और एक विभव मापी द्वारा धारा का मान ज्ञात करेंगे। बिल्कुल आपको थोड़ा बहुत लग रहा होगा अलग सा कि सर विभव मापी से हम धारा का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो बिल्कुल बच्चों, अगर आप एक बात देखें कि ओम के नियम से आप जानते हो कि V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। ठीक है, आपको पता है विभव मापी से हम विभवांतर ज्ञात करते हैं, तो धारा कब ज्ञात कर सकते हैं? जब R इज इक्वल टू 1 ओम हो। क्या हो बच्चों? 1 ओम हो। R 1 ओम के लिए V इज इक्वल टू क्या होगा? I होगा।
कहने का मतलब अगर अपन एक ओम के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करें तो भाई उसके लिए धारा होगी। एक ओम के सिरों पर अगर हम विभवांतर ज्ञात करेंगे विभव मापी से तो वही उसके लिए क्या होगी, धारा होगी। तो आपको यह ध्यान रखना है पर। अब देखो इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं, प्रोसेस बिल्कुल वही है। देखिए सर्किट डायग्राम बनाए इसका, तो आपको पता है देखो ये तो प्राथमिक परिपथ है, एक संचायक सेल, एक कुंजी, एक धारा नियंत्रक, प्लस माइनस इसको मैंने बोल दिया ईपी, ये मान लो कुंजी के वन और ये धारा नियंत्रक RH1। ठीक है बच्चों, और ये हमारा हो गया विभवमापी का तार, इस तरह हमने इसको कनेक्ट कर दिया ए बी। तो क्या हो गया प्राथमिक परिपथ। ठीक है अब देखिए बिल्कुल वही डायग्राम है, वोल्टमीटर का जो हमने अंश शोधन किया था तो हमने एक मानक सेल लगाया था, तो यहां भी एक मानक सेल लगाएंगे, एक मानक सेल लिया प्लस माइनस, इस मानक सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है ES। ठीक है तो मानक सेल जिसका हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात होता है तो इस मानक सेल के पॉजिटिव को ए पॉइंट से जोड़ देते हैं और नेगेटिव को द्विमार्गी कुंजी के एक्स से जोड़ देते हैं। ठीक है सेम वही डायग्राम है, पॉजिटिव को हमने ए पॉइंट से जोड़ दिया और नेगेटिव को द्विमार्गी कुंजी के एक्स से। द्विमार्गी कुंजी का जो मध्य सिरा होगा यानी जो वाई सिरा होगा वो धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर से होते हुए किससे कनेक्ट कर देते हैं बच्चों, जोकी से। ये हो गई जोकी। ठीक है ओके अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वोल्टमीटर में हमने यहां प्रतिरोध बॉक्स लिया था तो मैं यहां बच्चों एक ओम की कुंडली ले रहा हूं। ठीक है क्योंकि प्रतिरोध बॉक्स में जो आर का मान है वो क्या ले रहा हूं मैं, एक ओम। तो यहां एक ओम की मैं कुंडली ले रहा हूं और इस एक ओम की जो कुंडली है इसमें जो धारा प्रवाहित होगी उसको नापने के लिए हम क्या लगा रहे हैं, एमीटर लगा रहे हैं, इस प्लस और माइनस, और यहां पर एक दूसरा संचायक सेल लगा देते हैं। सपोज करो मैं इसको ईडैश नाम दे दूं, एक दूसरी कुंजी के साथ, और यहां हम दूसरा धारा नियंत्रक यूज करते हैं, दिस इज RS2, ये RH1 है और नीचे वाला क्या है RS2। क्लियर बच्चों ओके तो यहां पर हमने एक ओम की कुंडली लगाई है क्योंकि इसमें जो धारा होगी वही क्या हो जाएगा उसके लिए विभवांतर हो जाएगा, क्योंकि एक ओम की कुंडली में प्रवाहित धारा विभवांतर की क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है अब रही बात द्विमार्गी कुंजी का तीसरा सिरा, तो यहां हम इस तरह कनेक्ट करेंगे बच्चों जेड सिरा। ठीक है तो ये हमारा सर्किट डायग्राम होगा, तो अमीटर के अंग शोधन करने के लिए ये हमने परिपचित्र बनाया, इसको कुंजी K2 बोल देंगे, अभी ये मानो खुली हुई है, इस कुंजी K1 में डॉट लग रहा है तो इसे क्या प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी सर्किट में, प्राइमरी सर्किट में। ठीक है तो सर्किट बिल्कुल वही है, बिल्कुल आप देख रहे हैं कि यहां पर केवल जो वोल्ट मीटर के अंशोधन में यहां एक आरबी था, पूरा रेसिस्टेंस बॉक्स था, यहां एक ओम की कुंडली है केवल। ओके तो आप समझ चुके हैं कि अमीटर के अंशोधन करने के लिए प्राथमिक परिपथ तो सेम है, द्वितीय परिपथ में मानक सेल का पॉजिटिव ए पॉइंट से और मानक सेल का नेगेटिव द्विमार्गी कुंजी के एक्सरे से, द्विमार्गी कुंजी का मध्य सिरा यानी वाई सिरा गैल्वेनोमीटर धारा मापी से होते हुए जोकी यानी विसर्जी कुंजी से, दूसरे परिपथ में एक ओम का हाई वोल्टेज वाला पॉइंट ए पॉइंट से, लो वोल्टेज वाला पॉइंट धारा नापने के लिए हम अमीटर यहां यूज कर रहे हैं, श्रेणी क्रम में लगा रहे हैं, पहले हमने वोल्ट मीटर लगाया था पैरेलल वाइज। ठीक है अमीटर चूंकि धारा नापता है तो धारा नापने के लिए श्रेणी क्रम में लगाते हैं इसको, ताकि परिपथ में बहने वाली सारी की सारी धारा इसमें से होकर जाए। तो एक रियोस्टेट लगा दिया, एक दूसरा सेल, कुंजी दूसरी, और ये यहां पर हमने जेड सिरा जोड़ दिया, तीसरा सिरा। ओके
करना कैसे है? बिल्कुल सिंपल तरीका है बच्चों, सेम वही है प्रोसेस। देखिए, सबसे पहले हम कुंजी केबल में डॉट लगाएंगे और द्विमांगी कुंजी के एक्स और वाई के मध्य डॉट लगा देंगे, ठीक है? तो ये सर्किट पूरा हो जाएगा इस तरह, यानी इस तरह सर्किट पूरा हो जाएगा तो करंट फ्लो होगा, इस तरह करंट फ्लो हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले कुंजी K1 में डॉट लगा के और एक्स और वाई के मध्य डॉट लगा देते हैं, जिसे मानक सेल परिपथ में जुड़ जाता है, ठीक है? अब वही बात है, जोकी की सहायता से हम ऐसा बिंदु नोट करेंगे जिसके लिए इस धारा मापी में विक्षेप क्या आ जाए, शून्य आ जाए, तो वो बिंदु क्या होगा, संतुलन बिंदु होगा। उस बिंदु की हम बिंदु A से लंबाई नोट कर लेते हैं, ठीक है? तो मैं यहां लिख रहा हूं भाई डायरेक्ट, यदि मानक सेल, यदि मानक सेल ES के लिए संतुलन लंबाई सपोज करो L नॉट है, ठीक है, तो विभव मापी के सिद्धांत से क्या लिख सकते हो आप? बिल्कुल, ES इज इक्वल टू एक्स एल नॉट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है बच्चों? X क्या होता है? विभव प्रवणता, जहां X है विभव प्रवणता। क्लियर है बहुत बहुत कि ES इज इक्वल टू एक्स एल नॉट। तो मानक सेल लगाना कहलाता है विभव मापी का मानकीकरण करना, क्योंकि तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, विभव प्रवणता की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्लियर है? तो हमने क्या करा, K1 में डॉट लगाया और दिमाग की कुंजी के x और y के मध्य डॉट लगाया, जिससे मानक सेल, स्टैंडर्ड सेल, जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात होता है, वो परिपथ में कनेक्ट हो जाता है, तो उसके लिए हम संतुलन लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। तो विभव मापी के सिद्धांत से हम क्या लिख सकते हैं, ES is equal to x l not, ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है? अब क्या करेंगे बच्चों, x और y के मध्य डॉट को हटा देते हैं और डॉट को हम कहां लगा देते हैं, y व z के मध्य, यानी अब डॉट को यहां कनेक्ट कर देते हैं, तो सर्किट कुछ इस तरह कनेक्शन हो जाएगा। अब ये एक कॉम की कुंडली परिपथ में जुड़ जाती है, तो इस कुंजी K2 में डॉट लगा लेते हैं, तो इससे भी करंट फ्लो होगा। सपोज करो इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो आई डैश हो रही है, कितनी हो रही है बच्चों, आई डैश, ठीक है? तो हम आई डैश जो धारा है इस एक ओम कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, अमीटर का भी पाठ्यांक होगा क्योंकि अमीटर भी धारा देगा, तो हम क्या करेंगे, एक ओम के सिरों के मध्य विभव मापी से विभवांतर ज्ञात करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, संतुलन लंबाई नोट कर लेते हैं, ठीक है? अब देखिए, यदि एक ओम के सिरों के मध्य विभवांतर, एक ओम के सिरों के मध्य विभवांतर वी डैश हो तथा अगर हम संतुलन लंबाई नोट करें, समझ गया ना, वाई और जेड के मध्य डॉट लगा हुआ है, तो इसके सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा उसके लिए हम यहां तुलना करते हैं, तो वो बिंदु नोट करेंगे जिसके लिए विक्षेप क्या हो जाए, जीरो। तो यानी संतुलन लंबाई बोलते सारा क्लियर हो जाता है। अरे एक ओम के सिरों के मध्य विभवांतर वी डैश हो तथा संतुलन लंबाई सपोज करो एल हो, तो संतुलन लंबाई क्या बच्चों, स्मॉल एल मैंने मान लिया, स्मॉल एल हो तो, चलो L1 मान लेता हूं, L1 हो तो, विभव मापी के सिद्धांत से, तो विभव मापी के सिद्धांत से क्या लिख सकते हो? तो बच्चों विभव मापी के सिद्धांत से आप लिख सकते हो कि वी डैश इज इक्वल टू एक्स L1, ठीक है? विभव मापी के सिद्धांत से हम लिख सकते हैं वी डैश इज इक्वल टू एक्स एल वन।
सपोज करें क्वेश्चन नंबर टू। अब इसमें प्रवाही धन आई डैश है, देखो ओम के नियम से बी डैश इज इक्वल टू क्या होता है, आई डैश इंटू आर। आर यहां क्या है, एक ओम। तो ओम के नियम से अब ये जो विभवांतर होगा वही धारा का मान होगा, क्योंकि प्रतिरोध एक ओम है, तो एक ओम के सिरों के मध्य जितना विभवांतर होता है वही उसमें प्रवाही धारा होती है। तो दो वे तीन से मैं क्या लिख सकता हूं, समीकरण दो वे तीन से, देखो बी डैश आई डैश के इक्वल है, तो मुझे क्या मिल गया, आई डैश इज इक्वल टू एक्स एल वन। एल वन हमें मालूम है, एक्स की वैल्यू हम एक से रख सकते हैं, तो समीकरण एक से आई डैश इज इक्वल टू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या है, ई एस अपॉन एल नॉट इंटू एल वन। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों ई एस अपॉन एल नॉट इंटू एल वन। तो ई एस हमें मालूम है मानक सेल का उद्वाहक बल, एल नॉट संतुलन लंबाई मानक सेल के लिए, एल वन एक ओम के कुंडली के लिए संतुलन लंबाई, तो यहां से आई डैश निकाल लेते हैं। तो ये विभव मापी द्वारा सही मान होगा धारा का। अब जो अमीटर बताएगा, अब हम अमीटर की बात करें, तो अमीटर जो मान पढ़ेगा उसको अगर मैं आई मान लू, देखो यदि अमीटर का जो पाठ्यांक है, अमीटर का पाठ्यांक मतलब जो अमीटर धारा का मान दे रहा है, यदि अमीटर का पाठ्यांक कैपिटल आई हो तो इसके मान में त्रुटि, भाई अमीटर तो अशुद्ध मान पड़ेगा, त्रुटिपूर्ण मान पड़ेगा, वो आई है। शुद्ध मान या सही मान कौन सा है, आई डैश। तो हम एरर निकाल लेते हैं, त्रुटि हम निकाल लेते हैं, यदि अमीटर का पाठ्यांक आई हो तो इसके मान में त्रुटि। तो बच्चों इसको मैं बोल दूं डेल्टा आई, डेल्टा आई क्या हो जाएगा, आई माइनस आई डैश। इक्वेशन नंबर इसको हम फोर मान लेंगे एंड इट्स इक्वेशन नंबर फाइव। तो डेल्टा आई जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह हम हर मान के संगत, हर आई के संगत डेल्टा आई निकाल लेते हैं, और आपको पता है लास्ट में क्या बनाते हैं, बिल्कुल अंश शोधन वक्र या अंशांकन वक्र बनाते हैं। देखिए इसमें अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो ग्राफ भी पूछता है आपसे, अंश शोधन वक्र या अंशांकन वक्र भी इसे हम बोलते हैं, अंश शोधन वक्र या अंशांकन वक्र, ठीक है। तो वही जिगजैग मिलता है हमें जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, रीडिंग्स लेकर एक स्केल लेकर जब बनाया जाता है, तो यहां तो होता है आई, आई क्या होता है, अमीटर का पाठ्यांक, और यहां लेते हैं डेल्टा आई, डेल्टा आई पॉजिटिव है या जीरो है, यहां क्या है, नेगेटिव। तो वही हमें टेढ़ा मेढ़ा वक्र मिलता है इस तरह। तो ये जिगजैग एक कर्व मिलता है, टेढ़ा मेढ़ा वक्र इसे बोलते हैं। तो इस तरह हम हर आई के संगत, ये आई की वैल्यू होती है, ये डेल्टा आई है, तो हर आई के संगत हम डेल्टा आई निकाल सकते हैं कि अमीटर द्वारा मान जो ज्ञात किया वो आई किया, तो इसके संगत डेल्टा आई कितना है, इसके मान में त्रुटि कितनी है, तो उसे हम सही मान निकाल सकते हैं। तो इस तरह विभवमापी की सहायता से हम अमीटर का अंश शोधन कैलिब्रेशन या अंशांकन कर सकते हैं, सही मान ज्ञात हम कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही आपका चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रिक सर्किट के सभी टॉपिक कंप्लीट होते हैं, चैप्टर 6 आपका कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, थैंक यू।